हेलो एवरीवन, ग्लोबल स्टार्टअप स्टोरीज में आज हम बात करने वाले हैं सीके रंगनाथन की, जो केविनकेयर के फाउंडर हैं। सीके रंगनाथन ने कैसे एक रुपए के बिजनेस प्लान से इतना बड़ा ब्रांड और इतनी बड़ी कंपनी को शुरू करा, तो चलिए इनके बारे में और जानते हैं। सीके रंगनाथन का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव कुडलोर में हुआ। उनके पिता का नाम चिन्नी कृष्णन था, जो पेशे से किसान थे, और उनका एक छोटा सा फार्मेक्यूटिकल्स पैकेजिंग का भी काम था। सीके रंगनाथन बचपन से पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से उनके पास जीवन में आगे बढ़ने के लिए दो ही रास्ते थे, या तो वो खेती करते या अपना खुद का बिजनेस शुरू करते। रंगनाथन के पिता चिन्नी कृष्णन एक सैशे कंसेप्ट के साथ आए, जो कि काफ़ी अच्छा आइडिया था। उनका मानना था कि सैशे फ्यूचर में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोडक्ट होगा, और इससे लोअर क्लास लोगों को, जैसे कि कूली, रिक्शा वालों को, सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। कुछ सालों बाद रंगनाथन के पिता जब उन्हें छोड़कर चले गए, तो वो काफ़ी परेशान रहने लगे, और उन्होंने आखिर में शैम्पू बिजनेस आगे बढ़ाने का सोचा। उन्होंने 300 रुपये में एक कमरा किराए पर लिया और 3000 रुपये में शैम्पू पैकेजिंग मशीन खरीदी। उन्होंने पहला प्रोडक्ट अपने पिता के नाम पर लॉन्च करा, जिसका नाम चिक शैम्पू रखा। पहले ही महीने में उनके 20,000 चिक शैम्पू के सैशे बिके, जो कि शुरुआती रूप से काफ़ी अच्छी सेल्स थी। इन्होंने ज़्यादा ध्यान कमाई पर ना देकर 3 पैरामीटर्स पर दिया, जो कि हैं यूनिकनेस, अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी, जिसकी वजह से इनकी सेल्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। कुछ सालों बाद अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया, और उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई, जैसे कि किसी भी 5 शैम्पू के सैशे के एक्सचेंज में एक चिक शैम्पू का सैशे फ्री, और इसके साथ ही साथ नए और अलग फ्रेग्रेंसेस का इस्तेमाल किया, जैसे कि जैस्मीन और रोज़, जिससे उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी रही और प्रोडक्ट प्राइस भी कम रहा। 1998 में चिक इंडिया कंपनी का नाम बदलकर केविनकेयर प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया, और ये पूरी तरीके से एफएमसीजी सेक्टर में आ गई। इन्होंने डेयरी प्रोडक्ट्स, फूड एंड स्नैक्स प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस और डेली केयर प्रोडक्ट्स की भी धीरे धीरे शुरुआत की। आज के समय में केविनकेयर कंपनी 21 से भी ज़्यादा देशों में अपना बिजनेस शुरू कर चुकी है। कई एशियन देश, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया और नेपाल में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस सेट किया है, जिसकी वजह से उनका 2 साल में टर्नओवर 200 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ा। एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण भारत में 3 लाख से भी ज़्यादा दुकानों में इनकी पहुंच हुई। इनके कुछ सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स, जैसे कि मीरा हेयर वॉश पाउडर, इंडिका हर्बल हेयर कलर, केविन्स मिल्क शेक, चिक शैम्पू, स्पिंस परफ्यूम में से हैं। केविनकेयर के फाउंडर सीके रंगनाथन के जीवन के 8 मंत्रास, जिनकी वजह से वह सक्सेसफुल हुए। फर्स्ट, एक अच्छा आइडिया और खुद पर भरोसा हमेशा से ही आपकी सक्सेस का रास्ता बनता है। सेकंड, बिजनेस में किस्मत का साथ होना काफ़ी ज़रूरी है। थर्ड, हमेशा कम दाम पर प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए बनाएं। फोर्थ, लो कॉस्ट बिजनेस हमेशा से लोगों को हाई वैल्यू देता है। फिफ्थ, लाइफ में हमेशा एक्टिव रहो और अपने काम को पूरा करो। सिक्स्थ, हमेशा कस्टमर के लिए अपने प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज करते रहो। सेवन्थ, अगर फेल हो तो और कोशिश करो और आगे बढ़ो। एट्थ, बिजनेस में पैसा सही समय पर और सही कारण होने पर ही लोगों से इन्वेस्ट करवाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।